आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में आज सुबह नाबालिग लड़का और लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों का शव आज सुबह खेत की मेड़ पर पड़ा मिला। पुलिस को मौके से पानी की बोतल व कीटनाशक दवा की खाली रैपर भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने कीटनाशक दवा का सेवन कर सुसाइड कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है और घटना की वास्तविकता का पता लगाने में जुट गई है। दरअसल मामला सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र का है, जहां आज सुबह नाबालिग लड़का और लड़की का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मझौली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 निवासी 17 वर्षीय अरविंद गुप्ता व 16 वर्षीय किशोरी का शव खेत की मेड़ में मिला है। ग्रामीणों में चर्चा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें लड़के का पड़ोसी गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और जब उसमें सामाजिक दखल होने लगा तो देर रात प्रेमी जोड़े ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि दोनों कल शाम से घर से गायब थे, जिनकी पतासाजी उनके परिजनों द्वारा देर रात तक की जा रही थी, लेकिन कोई पता नहीं चला और आज सुबह घर से दूर खेत की मेड़ में दोनों के शव पड़े मिले हैं, जहां पर पानी की बोतल व कीटनाशक दवा की पॉलीथीन देखी गई। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत जहर खुरानी से हुई है, लेकिन पूरे मामले की वास्तविकता पुलिस जांच विवेचना व पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साबित हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।